eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't. तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम लगाने वाले हैं अपनी गाड़ी के अंदर D1i, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया होने वाला है, जो कि आप लोगों ने देखा विदेशी कारों के अंदर हमने लगी हुई देखी है वो D1i, जो कि गाइज आँख वाली है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा क्रेज में चल रही है, हर किसी की पहली पसंद है वो D1i, जो कि हम लगाने वाले हैं आज अपनी बलिनो के अंदर। उसी के साथ हम इसके अंदर लगाएंगे DRL, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कलर चेंजिंग वाले DRL है, मार्केट के अंदर बहुत हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा DRL दिखाऊंगा जो कि आप अपने रिमोट से उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, मन चाह कलर आप लोग उसके अंदर लगा सकते हो। पूरी हेडलाइट खोल के उसके अंदर हम पूरी कस्टमाइज़ करने वाले हैं, उसको क्रोम को हम डी क्रोम करेंगे, नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे। गाइस, इसकी बलिनो के लिए एक अलग से टॉप मॉडल हेडलाइट परचेज करी हुई है। अगर आप लोगों को भी ये परचेज करनी है, हेडलाइट हो गए, D1i हो गया, या DRL हो गया, 8GB वाला, वो चीज़ें आप लोग बाय कर सकते हो हमारे technokhanstore.com से। बाकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और जो भाई वहाँ से परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ऑर्डर भी रखा हुआ है, सामने आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे, वहाँ से जाके भी आप लोग ये सब चीज़ें बाय कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास में अल्फा मॉडल की बलिनो की हेडलाइट्स हैं, और इसके अंदर देख पा रहे हो मोटा DRL है, और पूरी गाइस हेडलाइट की क्वालिटी आप लोग चेक कर लो। ये रिफर्मिश्ड है गाइस, जैसे कि किसी का नक्का टूट गया या कुछ छोटी मोटी जो कमी होती है ना, वो चीज़ें रिपेयर होके वो मार्केट में आप लोगों को मिल जाती हैं। तो इस तरीके की लाइट ये होने वाली है। अगर आप लोगों को ये लाइट बाय करनी है तो व्हाट्सअप से आप लोग ये बाय कर सकते हो। इसका प्राइस हम लोगों ने पेयर का 8000 रुपये रखा हुआ है विथ डिलीवरी के साथ में। तो बाकी आप लोग देख पा रहे हो कंडीशन ऐसी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये लाइट की सील्डिंग है ना गाइस, ये लाइट की सील्ड है, इसको हम खोलेंगे हीट गन से। अगर आपके घर में हीट गन नहीं है तो हेयर ड्रायर का भी यूज़ करके आप लोग ये चीज़ खोल सकते हो। खोलने के बाद में इसके अंदर जो प्रोजेक्टर है, इस प्रोजेक्टर के अंदर हम लगाएंगे D1i, और ये जो आप नीचे देख पा रहे हो इसके अंदर हम लगाएंगे 8GB वाला DRL। तो गाइस देख पा रहे हो, ये हमारे पास में D1i, जो कि आई वाली है, इसके अंदर बिल्कुल रियलिस्टिक सी आँखें आप लोगों को देखने के मिलती हैं। देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का डिवाइस है, इसके अंदर आप लोगों को 4 तरीके की अलग अलग कलर में लाइटें वो देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से जैसे कि हमारा प्रोजेक्टर होता है, सेम प्रोजेक्टर के शेप में ये दी गई है। लगने के बाद में कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसके अंदर D1i लगी हुई है, बस वो है रात में आप लोगों को जब पता चलेगा उसके बाद में ही लगेगा कि हाँ जी इसके अंदर तो कुछ अनोखा हुआ हुआ है। तो ये हमारे D1i है, इसके अंदर आप लोगों का कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, और ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी भी गाड़ी के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यूनिवर्सल आइटम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले, मैंने KTM RC 390 भी लगाई थी, आज हम अपनी गाड़ी के अंदर लगाएंगे। और गाइस ये है हमारे पास में DRL, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये कलरफुल वाला DRL, जिसमें आप लोगों को इंडिकेटर विथ कलरफुल DRL देखने के लिए मिलेगा। ये देख पा रहे हो गाइस, कुछ इस तरीके का ये रिमोट है, ये इसके अंदर वायरिंग है, ये इसकी वायर है, ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सब कुछ बताऊंगा गाइस A to Z, जो कि आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा वो आपके भाई की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जो भाई इस चैनल पे नए है ना, अभी सब्सक्राइब कर दो भाई, आप लोगों को ऐसे ऐसी चीजें लाके दिखाऊंगा ना कि शायद ही आप लोगों ने कहीं देखी होगी। सो गाइस, आप लोगों ने अब तक सारी चीजें देख ली है, होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब बारी आती है इसको इंस्टॉल करने की, तो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि हेडलाइट के अंदर किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे, और फर्स्ट टाइम बलिनो की हेडलाइट हम खोलेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि यार क्या क्या चीजें होती हैं जिसके अंदर इतने पावरफुल लाइट है, इतना पावरफुल DRL है। तो गाइस सब चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करके दिखा दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अपने भाई का चेहरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को ऐसी नई नई चीज़ें मैं ला के दिखाता रहता हूँ। गाइस खोल दिया हमने बलिनो का ग्लास ऊपर वाला, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये चीज़ हमारा इंडिकेटर ग्लास है, ये DRL है जो कि बहुत तेज जलता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये इसका क्रोम है, क्रोम भी हम लोगों ने निकाल दिया, ये इसकी हेडलाइट है। तो गाइस देख पा रहे हो हेडलाइट के अंदर कितनी सारी LED लगी हुई हैं, आप लोग गिन के बता सकते हो। तो देख पा रहे हो गाइस, देखो 7 ऊपर 7 नीचे, लो बीम हाई बीम, और इसका जो DRL है, तो गाइस देख पा रहे हो DRL कितना खतरनाक है भाई, LED LED LED, और ये देख पा रहे हो इसके पीछे इसकी चिप लगी हुई है। और उसके बाद में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देख पा रहे हो ये हमारा प्रोजेक्टर का, मतलब ये प्रोजेक्टर ग्लास है। तो देख पा रहे हो गाइस, ये रहा लेंस इसका,
ये हमारा इसके ऊपर लगता है, ये भी निकाल दिया मैंने। ये इसकी ब्लैक कवर है, ये भी देख पा रहे हो कैसा लग रहा है भाई, कैसा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर जो DRL है ना, ये ऐसी लगी रहने देंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे दूसरी वाली DRL और इसके अंदर हम लगाएंगे डीमन आई। और ये जो क्रोम पार्ट है ना, इसको हम पूरे में ब्लैक कर देंगे इसको भी, और ये वाले को भी इसको निकाल देंगे यहाँ पे, इसको भी निकाल देंगे ये वाला पार्ट। तो ये भी हम अंदर से इसको ब्लैक कर देंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये हमने डी क्रोम कर दिया, पहले क्रोम वाला था, अब स्प्रे पेंट मार के हमने इसको ब्लैक कर दिया। तो ये देख पा रहे हो, ये भी हमने इसकी हाइलाइट्स है, ये भी हमने ब्लैक कर दी। तो ये हमारा प्रोजेक्टर क्रोम है, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया। तो देख पा रहे हो आप लोग, सब ब्लैक ब्लैक ऑल ब्लैक हो गई हेडलाइट अंदर। तो गाइस बारी आती है DRL लगाने की। अब जैसे कि आप लोग ये DRL देख पा रहे हो ना, ये DRL कुछ ऐसे है। अब देखो हमने क्या करा, इसके DRL के अंदर से ये हमने इसकी LED लाइट है, स्ट्रिप लाइट है, ये निकाल दी बाहर। ये DRL है ना, इसके साथ में हम इसको लगा देंगे और लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा चला के ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो इसकी थोड़ी लेंथ है वो ज्यादा है। आप लोग ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे कॉपर के ये वाले पॉइंट, यहाँ से इसको कट करके लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वर्क करेगी। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर हमने DRL है वो लगा दिया, ये देख पा रहे हो इधर से भी। तो जबरदस्त तरीके से लगाए, पीछे हम इसके टेप लगा देंगे, फेविक्विक से लगा दिया। और ये इस पॉइंट पे आके ये खत्म हो गया, देख पा रहे हो इस पॉइंट पे आके इसको हम यहाँ से कट करके और ये जो बाकी का हिस्सा है इसको फेंक देंगे। और देखो पूरा DRL बढ़िया से लग चुका है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर हमने एक नई चीज़ ऐड करी है जो कि हमारी मिनी ड्राइव, और इजी तरीके से इंस्टॉल हो गई। यहाँ पर हमारी डीमन आई आ गई, ये देख पा रहे हो गाइस, फिटिंग देखो भाई जबरदस्त कर रहा है आपका भाई। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ डीमन आई लग गए, यहाँ पे हमारी मिनी ड्राइव लग गई, यहाँ DRL लग गया। अब इसके ऊपर कवर लगना बाकी है, और लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी के अंदर, कि गाड़ी में लगने के बाद में जो उसका लुक है किस तरीके से नजर आता है। अगर आप लोगों को मॉडिफिकेशन देखनी है तो ये वाली मॉडिफिकेशन देखो आप लोग, भाई साहब बलिनो का लुक ही चेंज कर दिया आपके भाई ने। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो हमारी कंपनी से आती है, ये हमने मॉडिफाइड करी है। और ये देखो इसके अंदर लाइट, आप लोग भाई साहब लाइट देख लो एक बार, ही पता ही नहीं चल रही इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई भी है, लेकिन ये पता चल रहा है अंदर से इसको डीक्रोम कर दिया और कुछ इस तरीके से। अभी आप लोगों को देखेंगे इसके अंदर तीन चीज़ें, DRL RGB वाला आई लाइट, और यहाँ पे हमने लगा रखी है मिनी ड्राइव। तो जैसे कि आप लुक देखो भाई एक बार ही भाई साहब, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कितनी जबरदस्त लाइट है ये लग रही है। अभी आप लोगों को इसकी पार्किंग, आई लाइट, मिनी ड्राइव तीनों चीज़ें चला के दिखा दो कि इसका दिन के अंदर रिस्पांस कैसा होगा, रात के अंदर किस तरीके से रिस्पांस होगा। भाई लुक चेकआउट करो आप, क्या जबरदस्त लुक आ गई है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर जो लाइट है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो गाइस ये देखो भाई, समझ आ रही है ना आपको, ये देखो कंपनी वाली कैसे है और हमने इसकी किस तरीके से मॉडिफिकेशन करी है। ये देखो इसके अंदर ग्रीन कलर का DRL है वो चल रहा है, और सी के साथ में आई लाइट देखो गाइस आप लोग, प्रोजेक्टर वाली। तो ये जो ग्रीन कलर का DRL देख रहे हो ना, ये हम रिमोट से चेंज करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हो, ये हमारा RGB वाला रिमोट है DRL का। तो आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ से ऑन करो, ये देखो ऑन होने पे कितनी ज़बरदस्त दिखती है। और उसी के साथ में देखो येलो कलर, ये देखो गाइस येलो आ गया, इसी के साथ में पर्पल, ये डार्क पर्पल देख पा रहे हो गाइस, ये हमारा ब्लू, ये ग्रीन, और इसके साथ में रेड, ये देखो भाई। सो गाइस अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैट्रिक्स वाली RGB इसके अंदर। तो ये वाला बटन देख पा रहे हो गाइस आप लोग, ये वाला बटन देखो, इसको बटन को दबाते ही इसके अंदर देखो RGB वाली मैट्रिक्स लाइट है वो चल रही है। दूर से दिखाऊं तो आप लोगों को देखो भाई कितनी ज़बरदस्त लगती है, बहुत सारे मोड से इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये देख पा रहे हो गाइस, ये देखो अगेन है ना भाई, भाई बहुत सारे मोड्स हैं इसके अंदर, ये देखो ज़बरदस्त, ये इतना स्लो ही है भाई जितने ही चल रहा है ना, ये देखो कुछ इतना ही है, ज़बरदस्त चल रही है बढ़िया से एकदम, ये देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा मोड्स हैं इसके अंदर। तो ये आपने लाइट देख ली, अब ये लाइट है इसके अंदर भी गाइस तीन चार कलर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि ब्लू मिलता है आप लोगों को, ग्रीन मिलता है आप लोगों को, रेड मिलता है, और उसी के साथ में एक राउंड सर्कल वाला है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस अगर आप लोगों को इसके कलर चेंज करने हो, तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाओ वाईफाई में, वाईफाई में आ जाएगा आइस, यहाँ पे कोड आएगा इसका, ये कनेक्टेड, आ जाओ इसकी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट ये रही गाइस इसकी, तो देख पा रहे गाइस, ये देखो 192.168.4.1 ये इसकी वेबसाइट है। लो जी पिज़्ज़ा वाले याद कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर ब्लू है, ग्रीन है, रेड है,
और इसके अंदर देख पा रहे हो श्रीगन है। देखो भाई लोग कितना जबरदस्त लग रहा है, ये हमने लगा दिया इसके अंदर ग्रीन कलर। अब देखो ग्रीन कलर का डीआरएल लगाए ना, ये देखो भाई बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। ये देखो देख पा रहे हो गाइस, बिल्कुल मैच कर रहा है। और सामने से लुक देखो भाई साहब, क्या गजब ही कर देता यार भाई साहब। एक कमेंट तो बनता है इसके लिए, और एक प्यारा सा लाइक कर दो। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दो आप लोग। देख पा रहे हो गाइस कितनी जबरदस्त लाइट लग रही है। ये देखो रेनबो कलर की इसके अंदर डीआरएल हमारी हो चुकी है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ स्काई ब्लू लगा के इसके अंदर। तो गाइस ये लग चुका है इसके अंदर स्काई ब्लू। अब इसके अंदर हम लगाते हैं ब्लू कलर का डीआरएल। देख पा रहे हो गाइस, ये देखो ब्लू कलर का डीआरएल। ये भाई साहब गजब ही चीज़ है, ठीक है। ये देखो अब इसके अंदर नया फंक्शन है, वो भी चलेगा। ये देख पा रहे हो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लेकर आता रहता है ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें। इसके अंदर आई में एक और मोड है, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ वो भी चला के। गाइस एंड ऑफ द लिस्ट, ये हमारा आखिरी मोड है, वो आता है देखने में। तो देख पा रहे हो गाइस, ये दूर से कुछ इस तरीके से नज़र आता है भाई साहब, गजब ही है यार सही में। हमने तो कुछ और ही कर दिया इसके साथ में, गाड़ी के साथ में। सोचा क्या था और हो क्या गया, बहुत ही अच्छा हो गया। हमारी सोच से भी बहुत अच्छा हो गया, हमने जितना सोचा था बहुत ज़बरदस्त। बस ये तो आप लोगों ने देख लिया इसके कुछ मोड्स। अब जैसे कि आप ये आप लोगों को बताऊँ ना, बीच में इसका प्रोजेक्टर था जिसमें से लाइट आती थी, अब वो तो हमने कर दिया बंद। अब उसके लिए हमने लगा दिया इसके अंदर एक मिनी ड्राइव, जो कि साइड में हमने इसमें लगाई है। तो देखो भाई, ये देखो भाई लाइट देख रहे हो आप इसकी, ये देखो भाई ज़बरदस्त लाइट है एकदम वाइट वाइट। डीपर मार, ये देखो गाइस डीपर पे हमने इसके अंदर कर दिया येलो, ये देख पा रहे हो। तो गाइस देखा आप लोगों ने टेक्नो खान की इस वीडियो के अंदर, हमने पूरी लाइट को कस्टमाइज कर दी, और उसी के साथ में हमने इसके अंदर कितनी खूबी वाले प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने लगा दी। हमने लगा दी इसके अंदर आई लाइट लगा दी, दूसरे हमने इसके अंदर लगा दिया डीआरएल आरजीबी वाला, और तीसरी लगा दी हमने मिनी ड्राइव, जो कि हमारी लाइट की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। और लुक चेकआउट करो बिफोर आफ्टर, बढ़िया। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने देख लिया टेक्नो खान की इस वीडियो के अंदर कि हम अपनी गाड़ी की हेडलाइट किस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। और गाइस देखा आप लोगों ने, हमने इसको खोली अंदर के, इसके अंदर मैकेनिज्म देखा क्या क्या होता है, प्रोजेक्टर कितनी पावरफुल होती है, डीआरएल देखी डीआरएल की, हमने एलईडी देखी उसके अंदर एलईडी किस तरीके की एलईडी लगी हुई थी, सब हमने बाहर निकाल दिया भाई। सिर्फ लगा दिया आपके भाई ने अपना ही तामझाम लगा दिया भाई इसके अंदर, हमने लगा दिया तीन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, वो जो जो हमने चीज़ें वो इंस्टॉल कर दी हमने इसके अंदर। आप लोगों को दिखाना भूल गया इंडिकेटर, तो गाइस इंडिकेटर आप लोगों को दिखाता हूँ, इंडिकेटर के अंदर भी इसके अंदर बहुत खूबी है, तो अभी आप लोग इंडिकेटर चलाता हूँ, पूरी वीडियो देखना भाई ज़रूर। तो गाइस अभी आप लोगों को इसका इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ। तो गाइस देखना भाई बड़ी ज़बरदस्त, ये देख पा रहे हो गाइस, ये देखो भाई पहले वाला कैसे चलता था और अब का जो है वो किस तरीके से चलता है। कॉमेंट डाउन बिलो बढ़िया सा कमेंट कर देना अपने टेक्नो भाई के लिए। गाइस एक बार यहाँ पे भी नज़र मार लो, तो हमने इसके अंदर अंडर बॉडी लाइट है वो लगा रखी थी, और उसके बाद में देख रहे हो गाइस कितनी ज़बरदस्त लग रही है भाई साहब। कोई कह भी सकता है कि बलिनो भी कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन हो सकी है। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने देखा, हमने अपनी गाड़ी के अंदर हेड लाइट को मॉडिफाइड कर दिया, और मॉडिफिकेशन में आप लोगों ने इंडिया की पहली कार देखी होगी जिसके अंदर लगा दी हमने आई लाइट्स। परी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? जैन बेचारा जैन अंदर बैठा हुआ है, मैं बोला जैन पार्किंग ठीक है, 1000 ऑन करो, 1000 ऑन कर दिया, हेडलाइट ऑन, हेडलाइट ये हमारा बांध जाएगा, हाय करो, थक गया ये बांध जी, हाय कर परी, टाटा बाय बाय, हंस रही है। तो गाइस अगर आप लोग भी करवाना चाहते हो अपनी गाड़ी की हेडलाइट मॉडिफाइड, तो अपने भाई को ज़रूर याद कर लेना, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, जो मर्जी आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये सामान मंगाना चाहते हो तो आप लोग मंगा सकते हो हमारे साइट से technokhanistore.com से, बाकी अगेन व्हाट्सएप से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी इसकी हम लोगों ने अवेलेबल रखी है। अगर आप लोग चाहते हो पूरी हेडलाइट हम अब कस्टमाइज करके आप लोगों को भेजें, वो भी आप लोग हमसे करवा सकते हो। बस गाइस शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा, जिसकी वजह से हम गाइस यहाँ तक पहुँच गए, इंडिया की पहली गाड़ी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा इस तरीके की हेडलाइट में आई लाइट लगते हुए। गाइस अभी मेरे पास में 2-3 तरीके की लाइट्स और हैं, वो भी मैं अपने बलिनो के अंदर जल्द ऐड करूंगा, इसको निकाल दूंगा, निकालने के बाद मैं आप लोगों को दूसरी लाइट से वो दिखाऊंगा जो ट्रायंगल वाली है ना गाइस, वो भी बहुत शानदार लाइट है। तो बस फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ में जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय।